कैसे हो? मजा में? गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है। इस बार तो बहुत गर्मी पड़ी और गर्मी में तो इतनी प्यास लगती है कि पूछो मत। और पता है, प्यास सिर्फ हमको और आपको नहीं लगती, इन बेजुबान पशु पक्षियों को भी लगती है। आइए मैं आपको एक प्यासे कौवे की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक कौवा गर्मी के दिनों में खुले आसमान में उड़ रहा था। ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ता गया उड़ता गया। उसे बहुत जोर की प्यास लगी। अब कौवा पानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगा। इधर देखा उधर देखा, सब जगह देखा, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वो निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर उड़ा, पहले से भी ऊंचा उड़ा, आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक। फिर दूर कई घर में उसे एक बर्तन दिखा, उसमें थोड़ा सा पानी था। कौवा तुरंत नीचे आया, लेकिन वहां पे भी एक समस्या थी, पानी का लेवल थोड़ा नीचे था और कौवे की चोंच वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। कौवे ने फिर अपना दिमाग लाया और पास पड़े पत्थरों को पानी में डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर आने लगा और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली और कौवा उठ चला। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहला, जहाँ चाह होती है वही राह होती है। अगर कौवा एक जगह बैठा रहता तो उसे पानी कभी नहीं मिलता। कौवा आसमान में उड़ा और पानी ढूंढ निकाला। दूसरा, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। कौवे ने भी पत्थर वाला सलूशन निकाला। और तीसरा, हमें भी इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए बाहर पानी जरूर रखना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ, फिर कभी नई कहानी के साथ मिलूंगा। बाय बाय।